हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी यार, काम पड़ता बाहर से दर्शन करके आ जाते। कथा करो कथा नहीं करन दे, मंदिर में जाने नहीं दे, छुआछूत करे, इसलिए अगल बनाया था। पूजा पाठ करते हैं तो पंडित ही नहीं मिलता है, पंडित आते नहीं। जब चुनाव आ तो तू भाई मारो आ जा, बिल्कुल हाल की पाल के घर में बैठ जाओ, और जब चुनाव गयो दूर रहो वहां बैठो। भारताला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्ष झाली तरी मध्य प्रदेशच्या काही गावांमध्ये अजूनही समाजातल्या काही कुप्रथा सुरूच आहेत। मध्य प्रदेशच्या सिहोर जिल्ह्यापासून 70 किलोमीटर लांब खेरी गाव आहे। या गावातल्या राम मंदिरात अजूनही प्रवेश दिला जात नसल्याचा इथल्या दलितांचा दावा आहे। त्यांच्यासोबत आजही भेदभाव होतो असं ते सांगतात। राम मंदिर में नहीं आने देते हमें, सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते राम मंदिर। शादी होती लड़का की तो नरियल राम मंदिर में रखा जाता है, पूजा होती तो हमारे लड़के छांटे बाहर से, न्यू हल्दी चावल के छांटे बाहर से लगते हैं, नरियल दूसरे लड़के को देते हैं, उनको बस हाथ जोड़ के आ जाते हैं। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी यार, काम पड़ता बाहर से दर्शन करके आ जाते हैं, अंदर तो जाना मना है, हम अंदर जाते ही नहीं, वो जाति भेदभाव अंदर जाने नहीं देते अंदर। एक हमारा मेरा भाई चला गया था अंदर, कथा का कार्यक्रम था मंदिर के अंदर, राम मंदिर के, तो हमारा भाई प्रसाद लेने के लिए चला गया, तो सिड़ाव चढ़ के अंदर चला गया था, तो एक वर्मा समाज के भैया ने बाहर निकाल दिया कि आप यहाँ अंदर नहीं आओगे, बाहर से वहाँ से प्रसाद लिया करो। पूजा पाठ करते हैं तो पंडित ही नहीं मिलता है, पंडित आते नहीं घर, हरिजन लोगों के अबड़ाते हैं ना, वो भेदभाव रखते हैं, जाति ये चमार है, वो बलई है, वो धोबी है, ये भंगी, ये बसोड़। बात अकेले सिर्फ खेरी गांव की नहीं है, सीहोर ज़िले में ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर जहां पर दलित समुदाय के लोग रहते हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं आम हैं। चूंकि मंदिर जाने पर प्रवेश करने से लोग मना करते हैं, और इनका ये भी आरोप है कि इनके कार्यक्रमों में पंडित नहीं आते, पूजा पाठ में नहीं आते, इस वजह से दलित समाज के लोगों ने अब अपना भी अलग से मंदिर बना लिया है। याज जिल्ह्यातल्या चांदबड गावातही अशीच परिस्थिती असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे। केवळ निवडणुकीच्या काळातच आमची विचारपूस केली जाते, त्यानंतर आम्हाला वाईट वागणूक मिळते अशीही त्यांची तक्रार आहे। नोवा दिसली आहे की मंदिर में जाने नहीं देते हैं, तो राम मंदिर में जाने ना तो चंदा लेते हैं ना जाने देते हैं, और ये कहते वोट के दे के थारी बहन मारी छोरी, और ओका बाद में चुनाव हुआ कि थारी छोरी मारी घर की, फिर ये हो जाता है। चुनाव तक तो अपन भाई भाई तो है, अपन बहन बहन तो है, यह थारी छोरी मारी छोरी है, पर ये फिर हाथ नहीं धरूँगा, फिर सी तो हाथ धरेगा। तो यहाँ की विडम्बना यह है कि जब चुनाव आ तो तू भाई मारो आ जा, बिल्कुल हाल की पाल के घर में बैठ जाओ, और जब चुनाव गयो दूर रहो वहाँ बैठो, नीचे बैठो, होटल आप कैसे चढ़ गए। हाँ, माता मंदिर चमार के बोले लोग बड़े बड़े, ये कहते चमार को मंदिर है, वो इससे कहीं का नया काम अगर करा तो कोई करने नहीं देते, अविक्सन उठा है। आज तक इसका पट्टा दिया नहीं कोई सरकार से, न किसी ने आज तक एक रुपये को काम नहीं करवाया इसमें। तो अलग मंदिर बनाने की नौबत क्यों आई? ये मंदिर उनमें नहीं जान दे, इसलिए कथा करो कथा नहीं करन दे, मंदिर में जाने नहीं दे, छुआछूत करे, इसलिए अगल बनाया था। गावात अशा गोष्टी घडत असतानाच 19 मार्च 2024 रोजी सिहोर जिल्ह्यातल्या मुस्करा गावातल्या लोकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली। क्या कहते हैं पानी पानी नहीं बनने देते हम, अच्छा ऐसा बोलते हैं कि ना तो पानी नहीं है, कैसे भी लेके आओ। सिहोरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित गावकऱ्यांना पाण्यासाठी मनाई केल्याचा आरोप फेटाळून लावलाय। इतर प्रकरणांची आपण चौकशी करू असंही त्यांनी सांगितलंय। देखिए मुस्कुरा गांव की कुछ महिलाएं जो है कलेक्टेड वाइफ थी, और हमारे यहाँ जॉइंट कलेक्टर का आदेश दिया था जिसमें गांव में पानी की समस्या थी, वहाँ जाके गांव में चेक भी करवाया तो पानी को लेकर इश्यूज थे, तो वहाँ गांव में 9 बोर है जिसमें से 7 को ठीक करा दिया है, 7 चालू हो गए हैं, और कुछ 1500 मीटर पाइप की उनको आवश्यकता है ताकि उनमें जो उनकी जो टंकी है वो पानी से भर जाए, तो पीएचई विभाग को निर्देश दिए कि 1500 मीटर पाइप भी उनको उपलब्ध करवा दे। तो उसमें ऐसा कोई दलित अत्याचार या छुआछूत ऐसा कोई मामला वहाँ पर नहीं निकला है। दूसरे ग्राम पंचायत का मुद्दा अभी आपने मीडिया ने मेरे सामने उठाया है, तो मैं उस पर भी जाँच करा रहा हूँ, टीम भेज रहा हूँ, और आवश्यक जो भी उसके रिजल्ट आएंगे टीम के डिस्कस के उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।
खेरी, चांदबड आणि मुस्करा ही गावं विदिशा लोकसभा मतदारसंघात येतात. या ठिकाणून अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज आणि शिवराज सिंग चौहान यांच्यासारखे नेते निवडून गेलेत. सिहोर जिल्हा हा माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांची राजकीय कर्मभूमी आहे. या क्षेत्राशी एवढी मोठी नावं जोडली आहेत तरीही समाजातली विषमता दूर का होत नाही असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.